क्या बता रहे थे कि लिम्फ फील्ड में इसके पहले एफजीएफ सिक्रीट होने के पहले लिम्फ फील्ड स्टेब्लिश हुआ था, तो लिम्फ फील्ड के रीजन में एक्सप्रेस होता है उसी मेजोडर्मल सेल्स में, लिम्फ फील्ड में मेजोडर्मल सेल्स ये लैटरल प्लेट मेजोडर्म से वो सेल्स आए हैं, ओके, एंड दे एक्सप्रेस हॉक्स जीन्स because this is ये अभी फ्लैट है, इमेजिन दैट दिस इज फ्लैट, ये बाद में बल्ज बनेगा, तो यहां पर हॉक्स जीन इन मेजोडर्मल सेल्स में हॉक्स genes are expressed, okay, Hox gene है, homeobox gene, और ये सब related gene है, और ये specify करता है body के plan को embryo along the head tail axis, head tail हाथ मुंडी से लेके पैर तक में हाथ का position किस जगह होगा, पैर का position किस जगह होगा, ये इस type का structures ये define position determine करता है, पैर की जगह हाथ नहीं हो जाएगा, हाथ की जगह पैर नहीं हो जाएगा, और अलोंग एनिमल हेड टू टेल एक्सिस, सो हॉक्स प्रोटीन्स जो है वो एनकोड करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं करेक्टरिस्टिक पोजीशन को जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन द करेक्ट प्लेसेस ऑफ द बॉडी, और ये बिलोंग करते हैं होमियोटिक जीन फैमिली से, ओके, होमियोटिक जीन फैमिली भी वही है, होमियोटिक जीन फैमिलीज ये जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, ये बिलोंग करते हैं होमियोटिक जो रेगुलेट करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और ये जीन्स सब में लगभग बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों में होते हैं, जैसे इकिनोडर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स, मैमल्स, इवन प्लांट्स में भी होते हैं, और often they encode transcription factor proteins and these proteins affect the development by regulating the क्योंकि transcription factor है तो regulate कर रहा है downstream gene network, downstream में जो gene है involved in pattern formation body patterning उनको ये regulate करते हैं, और mutations अगर इस gene में हो गए homeotic gene में तो क्या होंगे बॉडी पार्ट्स जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे, जैसे ड्रोसोफिला में करके देखा गया इस हॉक्स जीन में म्यूटेशन, तो एंटीना जो है वो ग्रो एंटीना बन गया पैर की जगह, जहां पैर होना चाहिए वहां एंटीना आ गया, सर ओके, सो समझ गए, तो इस तरह से तो ये दिस इज हॉक्स जीन, तो इसमें होमियोटिक जीन्स है फैमिली है ये, और एक तो ये साथ में एक होते हैं टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, दोनों इसमें एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए आप समझ लीजिए हॉक्स जीन एक्सप्रेस हो रहा है प्लस टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये होते हैं टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो इसमें पर्टिकुलरली टीबीएक्स फाइव का बहुत रोल है, टी बड़ा से बी छोटा से होता है, TBX5 अगर रिलीज होगा तो फोर लिंब बनेगा, ओके, या पक्षी है तो विंग बनेगा, और TBX4 अगर रिलीज होगा इस सीक्रेट होगा तो क्या बनेगा लेग बनेगा,
या हाइंड लिम्ब बनेगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जिस समय इस्टेब्लिश हुआ उसी टाइम वो डिटरमाइंड हो गया वहां पर रीजन, यहां पर पैर उगेगा या हाथ उगेगा। कैसे, कौन डिटरमाइंड किया, द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट्स ऑफ हॉक्स जीन फैमिली एंड टी बॉक्स जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ओके, दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन मेजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये हुआ, अगर इसमें हॉक्स जीन के साथ TBX5 एक्सप्रेस हुआ तो हाथ बनेगा वहां पर, अगर TBX4 एक्सप्रेस हुआ तो पैर बन जाएगा वहां पर। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। इसके बाद लिंब बड का फॉर्मेशन होगा, पहले तय हो गया कि ये बड हाथ बनने जा रहा है कि पैर बनेगा यहाँ पर, उसके बाद जब एक्सप्रेस हुआ फिर मेजोडर्मल सेल्स दे प्रोलिफरेट रैपिडली, मायोटोम्स विल कम, दे आल्सो विल प्रोलिफरेट एंड द लिंब बड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। लिंब बड बना, उसके बाद द मेजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द लिंब बड दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू बिकम इधर हैंड और लेग, पहले से कमिट हो चुका है क्योंकि या तो TBX5 है या TBX4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसमें है। TBX5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है तो वो सारे जीन एक्सप्रेस होंगे जो कि फोर लिंब बनने के लिए आवश्यक है। ओके, तो उसके बाद फिर मेजोडर्मल सेल्स जो है यहाँ पर फिर वो FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे और वो इंड्यूस करेंगे अपने एपाइकल एक्टोडर्म को, ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, एंड दैट विल डिफरेंशिएट इनटू एपाइकल एक्टोडर्मल रिज, एंड देन दिस एपाइकल एक्टोडर्मल रिज विल कंट्रोल द डेवलपमेंट, इंड्यूस द डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट, एंड इट विल कंट्रोल एपोप्टोसिस टू। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? नहीं आया क्या? Yes, सर थोड़ा सा ये जीन वाला सर फिर से थोड़ा बता दीजिए सर। फिर से बता दे, तीसरा बार बता रहे हैं, रुको फिर बता देते हैं। शुरू से सुनो क्या हुआ। मॉर्फोजेनेटिक लिंब फील्ड का की स्थापना हुई, कैसे हुई, लैटरल प्लेट मेजोडर्म से मेजोडर्मल सेल्स दे हैव इन दैट रीजन ओनली दे हैव कमिटेड नाउ टू बिकम लिंब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंब देयर। उसके लिए फिर सिग्नलिंग पाथवे हुआ, उसको कोई इंड्यूस किया, वो पहले का कहानी है, अब हो गया इंड्यूस क्योंकि इंडक्शन और रेस्पॉन्स रेस्पॉन्डिंग ये शुरू से ही चल रहे हैं, जैगोट फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायोजेनेसिस से स्टार्ट हो गया, तो सारे इस टिश्यू के पीछे भी कोई इसका इंड्यूसर है। ओके, लैटरल प्लेट मेजोडर्म बनने का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो भी तो डिफरेंशिएटेड सेल है, हाँ कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं है, आगे फर्दर डिफरेंशिएट होगा, उसका सेल फेट आगे फिर नैरो होगा, लेकिन उसको भी किसी ने इंड्यूस किया है। ओके, सीरीज ऑफ इंडक्शन एंड दिस responding it continues throughout the development। okay, so तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लिंब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं यहां से मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को कोई इंड्यूस किया। ओके, अब मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में जो लेट्रोडर्मल लेटरल प्लेट मेजोडर्म के सेल्स जो कमिट हो गए for the formation of limb, in those cells
these genes are expressed. T-box transcription factor and Hox genes. Okay. If TBX5 is expressed, then that will form four lane. If TBX4 is expressed, then that region will be developed into hind limb. Now, the rapid division of this mesenchymal cells will start, myotomal cells will start, and this will lead into the formation of limb bud. Once this limb bud formation took place, then the cells present in this limb bud, particularly mesodermal cells, mesenchymal cells, okay, which has come from the lateral plate mesoderm, those cells express and secrete fibroblast growth factors. Fibroblast growth factors induces the ectoderm over it to differentiate into apical ectodermal ridge. And this apical ectodermal ridge further takes part in proliferation of this development of this limb, and it controls the programmed cell death also. Okay. क्लियर इतना क्लियर है यही यस सर इतना ही बात हम पूरा इतना कहानी में समझाया अभी तक ठीक है अब क्या होगा हाँ एक चीज का और ध्यान रखिए यहाँ पर विटामिन ए का भी रोल है रेटिनोइक एसिड लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि establishment of the फोर limb requires retinoic acid signaling in the development of trunk of the embryo क्योंकि ये जो धड़ है embryo का ये हाथ यहाँ पर हाथ के साथ साथ धड़ का भी ये ट्रंक रीजन का भी डेवलपमेंट हो रहा है बन रहा है दोनों प्रक्रिया साथ चल रही है इसीलिए इस रीजन में एपिकल बड अगर ये बन रहा है तो दैट नीड्स रेटिनोइक एसिड बट दिस रेटिनोइक एसिड सिग्नलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Hindly. Okay. So retinoic acid signaling is also required here for the formation of fovea. Okay. Excess of agar retinoic acid de doge. Experimentally, if you give it, then limb pattern जो है change हो जाएगा, ectopic हो जाएगा. Okay, excess of retinoic acid will induce the formation of four limb in the hind limb region. ऐसा भी हो सकता है, hind limb के साथ साथ यहाँ पर four limb भी बन जाए, और एक trunk और बन जाए. तो इस तरह के अष्टावक्र बच्चे होते हैं फिर वो कभी कभी जन्म ले लेते हैं और फिर वो उनका डेथ हो भी हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि रेटिनोइक विटामिन ए का कितना अहम योगदान है ओके विटामिन ए डिफिशियंसी होगी प्रेगनेंसी में तो लिंब फॉर्मेशन पर असर पड़ जाएगा और अगर हाइपर विटामिनोसिस हो गया
ज्यादा दे दिए एक्सेस तो भी असर पड़ जाएगा. दैट इज व्हाई विटामिन ए इज ऑल्दो इट इज एसेंशियल बट इन लिमिटेड अमाउंट. ओके, कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए AER के अलावा एक और रीजन है, जोन है, यह भी रेगुलेट करता है क्योंकि लिम्ब फॉर्मेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. यहां पर ना ही सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन रहे हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल भी, स्पेसिफिक भी, इन स्ट्रक्चर्स का ओरिएंटेशंस एंड पोजीशन है, साथ ही डोर्सो वेंट्रल एक्सिस भी है. ओके, सो देयरफॉर द एडिशनल जोन which is required for controlling this, regulating the development of limb is required, and that is this one, zone of polarizing activity. Okay, क्योंकि limb bud जो है वो active रहता है, throughout active है this limb bud, पूरे limb development के दौरान आगे में ये लिम्ब बड रहेगा. लिम्ब बड के आगे में AER रहेंगे, AER के नीचे थोड़ा हटके वेंट्रल में, इस लिम्ब बड के वेंट्रल में ZPA जोन रहेगा. दिस इज ZPA जोन. ओके, इन दिस ZPA क्या है सेल्स? वही मेसेनकाइमल सेल्स ही है, बट दीज आर स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइमल सेल्स. वही मेसेनकाइमल सेल्स है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, थोड़ा डिफरेंशिएट किए हैं. मेसेनकाइमल सेल्स है, वही लेटरल प्लेट में जो डर्म से आया था लिम्ब बड में कुछ सेल्स जो है और स्पेशलाइज हो गए और ये इस पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लिए. ओके, क्योंकि लिम्ब बड जो है हमेशा एक्टिव है, जब तक पूरा फॉर्मेशन नहीं हो जाता है लिम्ब बड का. ओके, इसलिए इसको आवश्यकता पड़ती है कि ये स्टिमुलेट करते रहे बार बार, किसको? दीज मेसेनकाइमल सेल्स को. और ये इसलिए रहता है लास्ट तक बनने तक एस्टेब्लिश रहता है क्योंकि मेसेनकाइमल सेल्स को रैपिडली ग्रोथ कराना है. ओके, रैपिड ग्रोथ कराना है. आप कहोगे कि फिर तो ये ट्यूमर से भी जल्दी ग्रोथ कर रहा है. ट्यूमर भी क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और बहुत ही रैपिड ग्रोथ है, रैपिड सेल डिवीजन. तो क्यों नहीं इसमें ट्यूमरोजेनिक जीन्स को एक्सप्रेस करा दिया जाए? तो फिर तो हाथ तो लंबा लंबा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा. इसमें इस पूरे इसमें लिम्ब के डेवलपमेंट में जो पैटर्न फॉर्मिंग जीन है, डेवलपमेंट स्पेसिफिक जीन्स है लाइक दिस टी बॉक्स हॉक्स जीन्स, दीज आर इन्वॉल्व. एंड वंस द लिम्ब फॉर्मेशन हैज अकर्ड, दीज जीन्स आर स्विच्ड ऑफ. ओके, दैट इज व्हाई टू इंड्यूस देम इन अ प्रॉपर वे, इन अ नॉर्मल वे, नॉट इन अ ट्यूमरोजेनिक वे, these, the requirement of these regions AER and ZPA is there. And this needs, the cells present here needs the positive feedback, because when cell divides, contact inhibition is the factor which inhibits cell division, which restricts cell division, which counteracts cell division. And this contact inhibition is eliminated or absent in tumors. And that's why they rapidly divide.
here because of this contact inhibition, because contact inhibition is a natural phenomena, it will be there. ये रहेगा यहाँ पर, okay? नहीं रहेगा तो ये cells जो हैं tumor बन जाएंगे embryogenesis के दौरान. तो ये mechanism already established रहेगा, लेकिन इसको counteract करने के लिए एक positive feedback mechanism होता है, okay? और यह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रदान किया जाता है AER से ही, ओके? और इसी का सब्सिक्वेंट इसका कलिंग जो है क्रिएट हुआ जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, यहां से दोनों मिलके पॉजिटिव फीडबैक देते रहा, नहीं और सेल प्रोड्यूस करो और. नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, when enough of the that material is either secreted or formed, then the higher concentration or that higher number inhibits the process. Okay, so that is negative feedback. Here, the cells are getting produced, and this region gives the signal that produce more, and here also they give the signal produce more. So this is positive feedback given by these two type of cells, these two types of region, which counteracts the contact inhibition mechanism. और वो उस पर भारी पड़ जाता है, dominate कर गया. The signaling given by these two regions, and that's why, like in a controlled way, according to the program, developmental program, these cells rapidly divide, okay, avoiding uncontrolled cell division. This is cell division, rapid cell division, but in a controlled way, okay. Aaya samajh mein students? हेलो. यस सर. अब इसमें थोड़ा मॉलिक्यूलर डिटेल्स है इन दिस पिक्चर. I don't think this much detail is required for you, but अभी जितना हम बताएं उतना ही काफी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए. पर्टिकुलरली ये सिग्नल, फिर सिग्नलिंग जो है फिर से रिपीट हो जाएगा, ओके? You can see in this picture, limb field is established, okay, in this region. Then you can see TBX5 is expressed in the limb field, TBX T box gene, okay, and this has induced the cells above it present in the limb bud, those mesodermal cells, to secrete fibroblast growth factor. This fibroblast growth factor induces WNT signaling in the apical ectodermal ridge, and this due to WNT signaling, apical ectodermal ridge produces FGF8. Fibroblast growth factor 8. And this fibroblast growth factor 8 maintains the level of fibroblast growth factor 10, which is required. And this signal keeps on continuing. This signal is established, aur ye chalte rehta hai, aur growth progress jo hai, chalte rahega. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स?
मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन वेयर लिंब बर्ड दे प्रोड्यूस FGF 7 एंड FGF 10। लेकिन यह लिंब बर्ड हाथ बनेगा कि पैर बनेगा यह पहले ही इस्टेब्लिश हो गया है। ओके कैसे? या तो आपका टी बॉक्स जीन जो है TBX 4 या TBX 5 और या TBX5 इसमें एक्सप्रेस हुआ, दोनों में से कोई एक। TBX5 हुआ तो हाथ बन जाएगा आगे वाला लिम, और TBX4 हुआ तो हिंड लिम यानी पैर बन जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक्सप्रेस हुआ अलोंग विद द हॉक्स जीन। ओके एंड देन व्हेन द मेसोडर्मल इट इंड्यूसेस इट द मेसोडर्मल सेल्स रैपिडली डिवाइड फ्रॉम द लिम बड and the limb bud releases, the mesodermal cells present in the limb bud releases FGF7 and FGF10. Okay? और इसकी वजह से overlying tissue जो है that ectoderm this forms an organizer develop हो गया, organizer differentiate हो गया at the end of limb bud। यही AER था और AER से फिर जो है secrete होता है FGF8 and FGF4 मेसोडर्मल सेल्स FGF7 एंड FGF10 सीक्रेट किए जो कि एक्टोडर्मल सेल्स को डिफरेंशिएट कर दिया। AER में ये पहले इंड्यूसर था, ये रेस्पोंडर था, अब ये रेस्पोंड करने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद ये खुद फिर से ये रेसिप्रोकल बताए इसको, ये अब इंड्यूसर बन गया और रेस्पोंडर बन गया पहले वाला जो इंड्यूसर था, तो अब ये इंड्यूस कर रहा है फिर मेसोडर्म को और FGF8 और FGF4 रिलीज करके। ओके और ये जब इंड्यूस कर रहा है फिर मेसोडर्म को बैक, तो मेसोडर्म प्रोड्यूस कर रहा है FGF10 also। FGF10 तो पहले से ही कर रहा था। ओके FGF10 तो पहले से कर रहा था लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए ये सिग्नलिंग जरूरी है, तो इस सिग्नलिंग से FGF10 इज मेंटेन्ड। And this FGF10 induces rapid proliferation. In the mesoderm. Okay, समझ में आया? मन नहीं लग रहा? तो इतना आप लोग लिख दोगे एग्जाम में तो भी सफिशियंट है। ठीक, अगर आया क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट ही आएगा। आपको हम दोनों बता दें लिंब बड का फॉर्मेशन हुआ लिंब बड, क्योंकि अब अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे कि अब आगे का कहानी क्या हो रहा है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसे टाइम लगेगा समझाने में।
क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स इसके बाद होते हैं, कार्टिलेज का कंडेंसेशन होता है, ओके, एक लिंब का पैटर्न है, उसकी पेरियोडिसिटी है, वह पेरियोडिसिटी इस्टेब्लिश होती है, जैसे फोर लिंब और लिंब हाइंड लिंब है, उसका जो सबसे प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड यानी जो जुड़ा हुआ आपके बॉडी से जुड़ा हुआ एंड जो है प्रॉक्सिमल एंड, तो अगर आगे हाथ है तो ह्यूमरस है, वहां बोन स्ट्रक्चर ह्यूमरस, पैर है तो फीमर है, उसके बाद ये एक बोन है, उसके बाद क्या रहते हैं दो बोन्स, हाथ है तो अल्ना रेडियस है, पैर है तो टिबिया फेबुला है ये, और उसके बाद क्या होते हैं डिजिट्स, अगर हाथ है तो रिस्ट और उंगलियां हैं, पैर है तो एंकल और पैर की उंगलियां टोस, वो सारे हैं। तो इनका फॉर्मेशन फिर होता है और द लिंब जो है पहले ऑर्गेनाइज होता है आपका स्टाइलोफोर, सो दिस इज दिस आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग लिंब, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइलोफोर, जुगोपोड, फिर ऑटोपोड, ऑटोपोड, ओके। तो ये तीन रीजन में लिंब बड फिर बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इसी मेसेनकाइमल सेल्स, यही मेसेनकाइमल सेल्स कुछ सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोन्स में, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स बनने में, लिम्फ वेसल के बनने में, देख रहे हैं कि ये मेसेनकाइमल सेल्स आर हैविंग पोटेंसी एंड दे आर डिफरेंशिएटिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, देयर डाउटर सेल्स आर हैविंग डिफरेंट फेट्स, सो under the effect of this rapid proliferation by FGF10, the limb skeletal elements are figured, are formed as tight aggregates known as cellular condensation of precartilage mesenchymal cells. बोन का फॉर्मेशन होता है कि स्केलेटल एलिमेंट्स जो है फिर इसमें लिम्बर्ड बना, कुछ धीरे छोटा छोटा स्केलेटल एलिमेंट्स बनेंगे और वो जो है एक टाइट गुच्छा है, एग्रीगेट है, सेलुलर कंडेंसेशन है, इस तरह से बहुत सारे गुच्छे बने, पहले एलिमेंट्स तैयार हुए, ये सब सेंटर्स हैं एंड द सेलुलर कंडेंसेशन है, और किस तरह के सेल का है कंडेंसेशन, मेसेनकाइमल सेल्स आर ऑन इट्स डिफरेंशिएशन पाथवे, और उस डिफरेंशिएशन पाथवे में देयर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ सेल व्हिच इज अचीव, उसके बाद कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे, सो पहले है ये प्री कार्टिलेज मेसेनकाइमल सेल्स एंड इसके ये गुच्छे हैं, और ये मेसेनकाइमल कंडेंसेशन जो है वो अगेन इट इज, क्योंकि इसका भी सिग्नलिंग आ रहा है, ठीक है, तो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये जो टिश्यू है सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है, इन दैट मैट्रिक्स द सिग्नलिंग इज देयर एक्स्ट्रा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और सेल हेडेशन मॉलिक्यूल्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लेक्स डिटेल ऑफ दैट, तो बस इतना समझिए कि स्केलेटल एलिमेंट्स जो है एग्रीगेट हुए, टाइट एग्रीगेट बने, सेलुलर कंडेंसेशन हुआ प्री कार्टिलेज मेसेनकाइमल सेल्स का, ओके,
Then chondrogenesis happens. Chondrogenesis के दौरान chondrocytes का formation होता है. Chondrogenesis the process, जहां genesis लग गया मतलब कि the formation. Okay, organogenesis organ का formation. Okay, gluconeogenesis glucose का formation. जेनेसिस जहां लगा तो कॉन्ड्रोजेनेसिस इज द कार्टिलेज का फॉर्मेशन. ओके, तो अब कॉन्ड्रोजेनेसिस जो हो स्टार्ट हो गया, इसमें फिर यही जो प्री आपके कार्टिलेज मेसेनकाइमल सेल्स थे, वो प्री कार्टिलेज मेसेनकाइमल सेल्स आर डिफरेंशिएटिंग ड्यूरिंग दिस कॉन्ड्रोजेनेसिस. And the chondrocytes are coming out, or they are getting differentiated into chondrocytes. And then they are further differentiating into cartilage. And that in result give rise to the formation of skeletal primordia. And now on this skeletal primordia, further condensation of the cells will occur. Chondrocytes will differentiate into the cells responsible for the formation of bones. Then the bone formation will occur on this skeletal primordia. ज्यादातर वर्टिब्रेट लिंब में कार्टिलेज स्केलेटन जो है वो रिप्लेस हो जाता है फिर बोन से लेटर ऑन डेवलपमेंट. ओके, तो ये आपका लिंब जो है इस आपका स्केलेटल एलिमेंट्स बने और लिंब फिर ऑर्गेनाइज हो गया इन थ्री, क्योंकि स्केलेटल प्राइमोर्डिया बन गया इनके ह्यूमर्स के आपके रेडियो टिबला अल्ना रेडियस या टिबिया फिबुला के और इसके भी डिजिट्स फिंगर्स एंड टोस स्केलेटल एलिमेंट्स. वंस दिस इज मेड एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस एंड द सिग्नल इज ड्रिवन फ्रॉम टेकन फ्रॉम दिस एपिकल ectodermal ridge is coming from here and the signal is also coming from here. Okay, and then aapka kya bata rahe the, signal aa raha hai, ha, humerus. Uske baad under the influence of these signals, this limb, this establishment of stylopod, geopod, this is happening, autopod, or under iska differentiation bhi ho raha hai, chondrocytes ban rahe hain.